हाईकोर्ट के आदेश के बाद रामनगर वन विभाग ने 7 निजी पालतू हाथियों का जब्तीकरण किया था, जिनको आमडंडा स्थित बनाया गया स्थायी हाथी खाने में रखा गया है। बावजूद इनमें से कई हाथी बीमार हैं, जिनका उपचार चल रहा है। खासतौर से लक्ष्मी नामक हथिनी पैर के संक्रमण को लेकर काफी लंबे समय से बीमार चल रही है, जिसका उपचार स्थानीय वेटनरी डॉक्टरों के अलावा पंत नगर विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों का भी लक्ष्मी के उपचार के लिए सहारा लिया गया, लेकिन पूर्ण रूप से सफलता हाथ नहीं लग पाई। यहाँ तक कि पैर में संक्रमण के चलते डॉक्टरों की राय पर हथिनी के पाओ के जूते भी बनाए गए हैं और उपचार में सावधानियां भी बरती गई, परंतु कुछ हासिल नहीं हो सका। बीमारी के चलते लक्ष्मी बैठ गई, जिसे उठाने और उपचार करने के लिए क्रेन का सहारा भी लिया गया। विभाग ने पहली बार साउथ अफ्रीका के पशु चिकित्सक डॉक्टर कोबस सिरोत का सहारा लिया। विभाग की माने तो डॉक्टर कोबस सिरोत साउथ अफ्रीका के कुरुगर नेशनल पार्क में जाने माने पशु चिकित्सक हैं, जिनको भारत में बुलाकर उनकी राय और उपचार का सहारा लिया जाएगा। रविवार को डॉक्टर कोबस सिरोत ने आमडंडा हाथी खाने पहुंचकर सभी हाथियों का परीक्षण किया और लक्ष्मी नामक हथिनी के उपचार के लिए स्थानीय विभागीय पशु चिकित्सकों को टिप्स भी दिए। डॉक्टर कोबस सिरोत की माने तो लंबी बीमारी के चलते हथिनी के पांव में संक्रमण काफी फैल गया है, जिसके लिए मुकम्मल उपचार के साथ साथ एनर्जिक डाइट और पोषण दिए जाने की आवश्यकता है। इसे अपने पांव पर चलने में समय लगेगा। हथनी है लक्ष्मी नाम की, जिसके उम्र काफ़ी है उसकी, और साथ ही में जो है उसके प्रॉब्लम पैरों में हो रखी है। पहली बार हम लोगों ने एक विशेष विशेषज्ञों के यहाँ बुलाया है, जो कुरुगर नेशनल पार्क अफ्रीका का एक महत्वपूर्ण पार्क है, जाना माना पार्क है। उनके वेटनरी रहे, पशु चिकित्सक रहे डॉक्टर कोबस रात, उनके माध्यम से इसका उपचार और राय ली जा रही है, ताकि एनिमल जो है। गदरपुर के जाफरपुर में स्थित सिक्स सिग्मा में आयोजित परियोजना प्रदर्शनी कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने किया उत्कृष्ट प्रदर्शन। इस दौरान कॉलेज के इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग छात्रों ने कई प्रकार के प्रोजेक्ट तैयार कर प्रदर्शित किए। आपको बता दें कि इस दौरान कॉलेज के छात्र छात्राओं द्वारा महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार, बॉस की रोकथाम व बना कानून से संबंधित एक नुक्कड़ नाटक भी किया, और साथ ही सिक्स सिग्मा के बच्चों द्वारा बिना पेट्रोल डीजल के चलने वाली एक कार भी बनाई गई, जो कि बच्चों ने चलाकर भी दिखाई। इस कार की खासियत यह है कि इसमें धुआं नहीं होता है और ना ही किसी तरह का प्रदूषण करती है, और साथ ही रुपयों की बचत भी होती है। इस दौरान रुद्रपुर नगर महापालिका के मेयर व कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रामपाल ने छात्र छात्राओं द्वारा प्रदर्शित किए गए कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह का प्रदर्शन स्कूल कॉलेजों के बीच बीच में होना चाहिए। आज जो इन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स जो रखे हैं, उससे पता चलता है कि तकनीकी शिक्षा के माध्यम से बच्चों की जो क्षमता है उसको विकसित किया जा सकता है। यहाँ पे जो बच्चों ने प्रयोग बनाए हैं, विशेष रूप से इलेक्ट्रिक फोर व्हीलर कार जो है, जिस प्रकार से उन्होंने अपने स्तर पे बनाई है, जो पर्यावरण संतुलन के लिए भी और साथ साथ ऊर्जा का भी जो है बहुत बड़ी बचत करती है। प्रोजेक्ट निश्चित रूप से इन बच्चों की क्षमताओं को बताते हैं, और ये एक विश्वास होता है कि सिक्स सिग्मा में इस प्रकार के इन बच्चों को अवसर मिल पा रहे हैं। मैं यहाँ आया था, हमारे जो इसके जो ओनर हैं, जो यहाँ के डायरेक्टर हैं शिव अरोड़ा जी, लेकिन यहाँ आके मेरे को सबसे अच्छी बात ये लगी कि जैसे हमारे प्रधानमंत्री का सपना है कि हर हाथ को काम, लेकिन सरकारी नौकरियों के जरिए हम ये संभव नहीं है कि हम बेरोज़गारी को मिटा सकें, लेकिन आज यहाँ पर आके जो बच्चों ने मेहनत की है और बच्चों के जो नए नए इन्वेंशंस यहाँ देखने को मिले हैं, उससे निश्चित रूप से हमें लग रहा है कि अगर बच्चों को सहयोग किया जाए, बच्चों को सिक्स सिग्मा जैसे इंस्टीट्यूट, जिस तरीके से ये लोग बच्चों पे ध्यान देते हैं और बच्चों को सुविधाएं दी जाती हैं नए नए इन्वेंशंस के लिए। काशीपुर में बाजपुर रोड पर रोडवेज के सामने स्थित मां काली मंदिर में एक बुजुर्ग मठाधीश बाबा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मंदिर में वर्तमान में मौजूद बाबा विशहर दास खिचड़ी वाले बाबा बुजुर्ग बाबा की मौत के बाद से फरार हो गया। बाबा विशहर दास पर आरोप है, बिना किसी को बताए बुजुर्ग बाबा के शव को मंदिर के पीछे जमीन में दबाने का आरोप लगा है। घटना के बाद से आरोपी बाबा मंदिर से फरार है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने वहां मौजूद लोगों से घटना के संबंध में पूछताछ की, तथा मौके पर मौजूद तुलसी माता नामक महिला से जानकारी भी ली, जिसके बाद पुलिस बाबा की संदिग्ध मौत को साधारण मौत बताकर मामले को रफा दफा करने में जुट गई है।
कल से मैं बिल्कुल नहीं उठ के गई, धीरे धीरे लड़के पकड़ के दीपक ले आए। ये बाबा कितने दिन से यहाँ रह रहा आपके? 15 साल हो गए यहाँ तो। नहीं जो ये मरा ये शायद 8 दिन है। बाबा के वेश में पूरा? हाँ पूरा बाबा ऐसा है, ये आती रहती है बाबा वैसे सारी बात का तो ये सब आता है। कोई आया होगा ऐसा नहीं है मांगने उन्हें वाला। हाँ मंदिर है तो उसमें तो आदमी आई, उससे हमें कोई इतराज नहीं मिला। बाबा के वेश में मतलब तुम्हें लगा कि पूरा बाबा है ना? ये दिक्कत है बेटा, बाना मेरे से भी लाल वाने में है। अच्छा बाबा है, पहले से भी आता जाता देख रहे हैं? पहले से भी आता जाता था? आता जाता नहीं था। देखा था पहले से आप दोस्तों? मैंने देखा जब से मैं आ रही हूँ, सब कभी आ गया, 4 दिन रुक गया, 8 दिन रुक गया ऐसा। सितारगंज के ग्राम खुनसरा और तिगड़ी के खेतों में लगी आग से किसानों का काफी नुकसान हुआ है। साथ ही खुनसरा गांव के करीब मजदूरी करने वाले रणजीत सिंह और उनके भाई की 1.5 एकड़ गेहूं की खड़ी फसल तो उजड़ी गई और साथ ही दोनों भाइयों के कच्चे बने घर भी राख हो गए। आग की सूचना मिलते ही दोनों भाई मजदूरी छोड़कर घर को भागे, लेकिन घर पहुँचने तक फसल और घर दोनों जल के राख हो चुके थे। जहाँ उनका कहना था घर में रखे 10,000 रुपए, टीवी और अन्य सामान जल कर राख हो गया है। साथ ही पड़ोस के गांव तिगड़ी में जयदीप सिंह की 55 एकड़ नलई भी जलकर राख हो गई। दमकल कर्मियों ने साहस दिखाते हुए बमुश्किल आग पर काबू पाया, जिससे आसपास के किसानों ने राहत की सांस ली। साथ ही जयदीप सिंह ने पुलिस से शिकायत की है और उनके खेत में आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ है। हमारे गेहूं भी जल गया, हम तो दिहाड़ी पे गए हुए थे तो हमारे आते हुए सारा सामान भी जल गया, तो आधा एकड़ जमीन जल गई गेहूँ खड़ी। तो क्या करते, आते आते सारा सामान नहीं निकालता है, और 10,000 रुपया था उसमें, वो भी जल गया। अच्छा खासा नुकसान हुआ था। क्या नाम है आप? गुरमेल सिंह राणा सिंह। रंजीत सिंह है भाई मेरे। रुड़की में अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। शहर में तेज आंधी के साथ हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो गई है। तेज तूफान के चलते कई पेड़ भी गिर गए हैं। इन पेड़ों के गिरने की वजह से लोगों में अफरा तफरी मच गई। वहीं हल्की बूंदाबांदी से लोगों को उमस से काफी राहत भी मिली और इसके साथ ही किसानों की चिंता भी बढ़ गई है।